अब सौंदर्य शास्त्र में आपने एक शब्द सुना होगा एस्थेटिक सेंस, सुना है एस्थेटिक सेंस? कितने लोगों ने आज पहली बार सुना है? इस उम्र में आपको एस्थेटिक सेंस नहीं पता क्या होती है? अच्छा चलो, सौंदर्य बोध तो सुना होगा। अब देखो अचानक जागरूकता आ गई कि हाँ इस पर तो जी रहे हैं हम लोग। सुना क्या है, ये तो हमारे जीवन का आधार है सौंदर्य बोध, है ना? सौंदर्य बोध जिस शब्द का अनुवाद है वो है एस्थेटिक सेंस। अच्छा आपने ये सुना सेंस ऑफ ह्यूमर? हाँ ये सुना होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हास्य बोध। जिस सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये थोड़ा ना कि छठी इंद्रिय निकली हुई कहीं से उसकी। ठीक वैसे जब ये कहते हैं कि हम मॉरल सेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिय एक्स्ट्रा हो गई है। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? देखो आप देखेंगे जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं और आसपास कोई ज्ञानी लोग नहीं होते उनके, उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत कूड़ा किस्म की होती है एकदम। ठीक है, आप लोग तो खैर बहुत स्मार्ट प्रकृति के लोग हैं। मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ कि अगर उनकी ग्रेजुएशन के टाइप की फोटो देखने से, आप लोग तो इतने स्मार्ट सब लोग हैं, अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की फोटो देखता हूँ ना तो दोस्तों के साथ हम सबको देख के लगता फोटो को आग लगा दें। इतनी कूड़ा किस्म की फोटो सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आपको हटा के नहीं बोल रहा हूँ, सब इतने गंदे लगते हैं देखने में। आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा, अच्छे कैमरे की फोटो की बात कर रहा हूँ। इतने गंदे सब लोग लगते हैं देखने में। तो हमने नहीं, कैमरे की गलती नहीं है, कैमरे की बिल्कुल गलती उसमें नहीं है, वो गलती हमारे तात्कालिक सौंदर्य बोध की गलती है। हमें इस बात की तमीज़ नहीं थी कि व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसे आप तो बड़े स्मार्ट लोग, लेकिन उस दौर में मैंने फील किया कि उस दौर में स्मार्टनेस ऐसी नहीं हुआ करती थी। और वो अपनी फोटो उस जमाने की देख के समझ में आता है, मन करता है कि सारे अवशेष जला के सुनते, एक भी ना बचे इतिहास के लिए, कोई भी ऐसी कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक खास उम्र में खास सौंदर्य बोध होता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो उनका जो कपड़े पहनने का तरीके है, तो रंग बोध कई लोगों में, कमीज एक खास रंग की है तो पेंट में कोई तमीज़ हो उसके साथ कोई लिंक नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि एक कपड़ा ऊपर पहनना एक नीचे पहनना है, तो जो सबसे पहले उपलब्ध हो गया वो टांग लेना है। और कोई लिंक रंगों में है नहीं है, कंट्रास्ट का नियम, पैरेलल का नियम, कोई नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब उनको नहीं होता है। कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं किया हुआ कोई मतलब उनको नहीं है, है ना? अच्छा कुछ तो होता है जो उबड़ खाबड़पन के सौंदर्य बोध में यकीन रखते हैं, वो अलग है। जैसे बालों में कंघी नहीं करनी है, बालों को यूं ऐसे से कर लिया या कंघी करके दो लटे बाहर निकाल लिए अलग से, ये अलग मामला है। इसको बोलते हैं केयरफुल केयरलेसनेस, बहुत सावधानी से लापरवाह दिखना, ये अलग मामला है। कुर्ता खरीदा थोड़ा सा फाड़ लिया, जीन्स खरीदने गए कि भैया पूरी जीन्स और फटी जीन्स का रेट बताओ, तो कह रहे पूरी जीन्स 1800 की, फटी हुई 2400 की है। कह रहे इसमें तो कपड़ा भी कम लगा आपका। कह रहे कम नहीं लगा, लगाने के बाद फाड़ा है, फाड़ने में एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं। तो 2400 की फटी हुई जीन्स की रोशनदान सहित वो जीन्स लेके आए और उसको पहना, तो अब वो फटी जीन्स पहनी है, फटा कुर्ता पहने, बाल उबड़ खाबड़ हैं, नीचे जानबूझ के चप्पल पहनी खराब सी, क्योंकि आपको ये एहसास है कि मैं उबड़ खाबड़ तरीके से ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ। इसी में मेरा जो भाव बढ़ेगा वो भाव वैसे नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। ये तो योजनाबद्ध काम है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको कोई सेंस ही नहीं होती है, कुछ भी धारण कर लेते हैं। हेयर स्टाइल कटवाने के बाल के कैसे काटने हैं भाई, अगली बार बहुत लेट आना पड़े इस भाव से काट दो। और नाई भी आँख बंद कर जहाँ जहाँ कंजे चले चल आता है और उसके बाद भाई साहब निकल के आ रहे, समझ नहीं आ रहा कि टोकरा रखा था कि क्या किया, समझ नहीं आ रहा। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक उम्र के बाद, एक मैच्योरिटी, जीवन में सफलताओं की एक दौर के बाद, एक आर्थिक स्थिति के बाद आपका सौंदर्य बहुत बेहतर होने लगता है। और ये केवल उम्र की बात नहीं, इलाके के बाद भी है। मुखर्जी नगर का सौंदर्य बहुत गोपालपुर से बहुत अलग होगा, ट्राई करके देख लीजिए। वहाँ निम्न वर्ग में सौंदर्य बहुत थोड़ा चटक तरीके का होता है, लाल कमीज पीली पैंट सफ़ेद बेल्ट पहन ली और बेल्ट पे लिखा हुआ मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, देखा कभी? तो
आपको चटक रंग पसंद है, कौन से रंग के साथ कौन सा रंग ठीक लगता है आपको, शाइन पसंद है या सटल कलर्स पसंद है, इस सबसे पता लगता है कि आपका सौंदर्य बोध क्या है। और किसी व्यक्ति के वस्त्रों को, वेशभूषा को, होलिये को देख के आप उसके मानसिक स्तर का अंदाजा ठीक ठाक लगा सकते हैं, बशर्ते वो कपड़े उसने खुद चुने हो अपने लिए, किसी ने थोपे ना हो उसके ऊपर, अगर खुद चुने हो तो किसी का होलिया देख के पता लग जाता है कि इसका खोपड़ी का स्तर क्या होगा। ये सौंदर्य बोध जो है एक दिन में आता है, धीरे धीरे पैदा होता है। एक समय के बाद एस्थेटिक सेंस इतनी गहरी हो जाती है कि फिर आपको बहुत सूक्ष्म चीज़ों में रुचि होने लगती है, बहुत भड़काऊ चटक उन चीज़ों से अरुचि होने लगती है, और आप शांत रंगों की तरफ जाएंगे। फिर आप वस्त्रों को बहुत टाइट पहनने से बचेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसा टाइट ना हो कि लगे कि टांग पहले बने कि त्वचा पहले जीन्स बने कि टांग बने, समझ नहीं आ रहा। तो ये ना हो, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा हो, सहज कपड़ा हो, जिसमें असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा कपड़ा। बात समझ गए, ये होती है एस्थेटिक सेंस। क्या एस्थेटिक सेंस के लिए कोई छठी इंद्रिय चाहिए या ये एक समझदारी की स्थिति है? समझदारी की स्थिति है। सबसे पहली बात संकल्प स्वतंत्र, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये तीन चीज़ें एक साथ हों तो उसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज़ होती है शारीरिक प्लस मानसिक सक्षमता, कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम हो कि वो विचार विमर्श कर सके, सोच सके, फैसले कर सके, उसको बोलते हैं पहली क्षमता, शारीरिक प्लस मानसिक सक्षमता। दूसरा होता है कि उस व्यक्ति के पास विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए, विकल्पों की उपलब्धता, यानी कि एक ही विकल्प है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपने बोला क्या क्या है? सिर्फ रोटी है। क्या बात है भाई, जब सिर्फ रोटी ही है तो फिर खिलाओ वो, तो विकल्प दूसरा गया। अच्छा वो मैं ना खाना चाहूँ तो नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो पिटोगे। खाना ज़रूरी है, अब बताओ क्या खाना चाहोगे? क्या क्या है? रोटी है सिर्फ। तो ये क्या तरीका हुआ भाई? अगर ये भी विकल्प हो कि आप खाना ना खाएं या खाएं तो रोटी खा लें, वो भी नहीं है कि पिट जाओगे अगर नहीं खाओगे तो। जैसे घर में माताएं बच्चों को विकल्प देते ना कि बेटा खाना खा लो, बच्चा अगर नहीं खाऊंगा तो पिटेगा, खाओ। तो क्या क्या है खाने में? रोटी है, और क्या है? कुछ नहीं है, खाओ। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं कि विकल्प उपलब्धि का है। और तीसरा, अगर विकल्प एक से ज़्यादा उपलब्ध हैं तो विकल्पों में से किसी विकल्प को चुनने की छूट, चुनने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता। देखो प्रेम विवाह पर भी यही तीन कंडीशन लागू होती हैं। और प्रेम विवाह विफल जो होते हैं उसमें बड़ी वजह होती है कि दूसरा या तीसरा मामला चूक जाता है। ये तो विकल्प होते ही नहीं है, एक ही विकल्प है। दूसरा विकल्प केवल कुंवारे मर जाने का विकल्प है, बाकी एक ही विकल्प जीवन में मिला है, तो व्यक्ति फिर हाँ ही बोल देता है, या कम से कम उसको ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई विकल्प जीवन में आएगा नहीं, बेशक गलतफहमी है। और सबसे बड़ा कारण विफलता का होता है पहला, कि मानसिक रूप से दिमाग ठिकाने पर होता नहीं है। जो दैहिक व मानसिक सक्षमता की बात है वो तो दिमाग ठिकाने पर होता नहीं है, तो ऐसे में गलतियाँ हो जाती हैं। क्यों गुप्ता जी, क्या राय है इस मामले में? ऐसा होता है दुनिया में या नहीं होता है? हाँ ऐसा होता है, होता है ऐसा।